नमस्कार, आज आप लोगों के सामने हम लेकर के आए हैं सीएनजी किट कैसे लगता है ये बताएंगे। ये देखिए, ये सबसे पहले रिड्यूसर को फिट किया जाता है गाड़ी में, जो 220 बार के प्रेशर को डाउन करके 0.5-0.7 बार के प्रेशर में कर देता है। और इसके साथ साथ रिड्यूसर को कनेक्ट करने के लिए ये घड़ी लगाया जाता है, सीएनजी मीटर जिसको बोलते हैं। और सीएनजी मीटर आपका चला आता है डायरेक्ट ये पाइपलाइन के साथ रिफिलिंग वाल्व, यहाँ से गैस भरते हैं। गैस भरने के लिए आपको ये नोजल निकालना होता है, बिल्कुल इजीली निकल जाता है और इजीली लग भी जाता है आसानी से। यहाँ से आप गैस भरेंगे, इमरजेंसी के दौरान आप यहाँ से गैस खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। कोई इमरजेंसी, कोई आपातकालीन कोई बात होती है तो आप यहाँ से इमरजेंसी में गैस बंद कर सकते हैं। ये इधर बंद होगा, ये अब खुलेगा। इस एग्जांपल के तौर पे इधर लिखा होगा, ओपन एरो दिया हुआ है, क्लोज एरो दिया हुआ है। एक बार अब आगे चलते हैं, रिड्यूसर के साथ आता है आपका फिल्टर, जो सीएनजी को फिल्टर करता है। ये फिल्टर लगाते समय ध्यान रहे, ये तीर का निशान जो एरो दिया हुआ है, एरो सीधा सीधा होना चाहिए। गैस यहाँ से इन किया, यहाँ से आउट किया, आउट करेगा तीर एरो जाएगा, यहाँ मैप सेंसर जाएगा। मैप सेंसर में जब आएगा उसके बाद इंजेक्टर में आएगा। इंजेक्टर आपका हो गया 1, 2, 3, 4। अगर 3 सिलेंडर की गाड़ी है तो 3 कनेक्ट होगा, 4 सिलेंडर की गाड़ी है तो 4 कनेक्ट होगा, अन्यथा जरूरी नहीं है। अब आइए, ये इंजेक्टर हो गया, ये मैप सेंसर हो गया, ये फिल्टर हो गया, ये आपका रिड्यूसर हो गया, ये घड़ी हो गया, ये आपका हो गया सीएनजी कॉइल जो 12 वोल्ट के डीसी कॉइल पे चलता है। अच्छा, ये पाइपलाइन हो गया, रिफिलिंग वाल्व हो गया। अब चाहते हैं वायरिंग पे, बिल्कुल इजी तरीके से हो गया। ये आपका हो गया ईसीयू, ईसीयू में आपका ये वायर कनेक्ट होगा, 32 पिन हो या 48 पिन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके बाद इससे वायर निकलते हैं, देखिए ये सामने दिख रहा है सारा तार है ना, हमने थोड़ा सा जल्दीबाजी में किया है इसलिए ऐसे दिख रहा है। जो ब्लैक और ब्राउन करके होगा ये आपका थर्मोस्टेट पे जाएगा, जो गाड़ी का टेम्परेचर बताया कि गाड़ी कितनी हीट हुई है। ये जब भी काम करता है 42 डिग्री टेम्परेचर पे ही खुलता है ये। जब गाड़ी 42 डिग्री टेम्परेचर पे आएगी तो खुलेगा, अन्यथा नहीं। जब सवेरे के टाइम गाड़ी हमारी स्टार्ट होती है, आप लोग कई बार ध्यान दिए होंगे, तो तुरंत गैस पे नहीं आती है। इसका कारण ये होता है कि जब गाड़ी 42 डिग्री टेम्परेचर पे आएगी तो ही गैस खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। अब इसके बाद ये हो गया हमारा थर्मोस्टेट टेम्परेचर स्विच। अब इसके बाद आपका आता है ये स्लिप के अंदर रहेगा, ब्राउन कलर का वायर रहेगा, ये जाएगा आपका पल्स। पल्स चेक करने की ये आपको आसान तरीका बता रहा है, मल्टीमीटर बाई दफा नहीं है तो स्विच ले लें MPFI वाला, जो ऑटोमेटिक कन्वर्ट करता हो 3 खटके वाला। इसको ब्लेड से बांधे और कॉइल में उसको चपकाएं, ऑन करके गैस की तरफ सेल मारते हैं, गैस को जहां आकर के रुक जाए वही समझिए कि ये पल्स उस तार में काम कर रहा है, वहां पे इसको कनेक्ट कर दीजिए। ये आसानी से हो गया। अब हमारा हो गया थर्मोस्टेट और पल्स। अब आते हैं, ये देखिए घड़ी, यानी कि सीएनजी का मीटर बताता है गेज, स्विच में जो गेज बताता है कि आपका 4 लाइट जलता है फुल पे और रिजर्व दिखाता है लास्ट में। इसका वायर है ये सेम रहता है, वाइट में वाइट, ब्लू में ब्लू और ग्रे में ग्रे, ये सेम कलर होता है। अब ये आ जाइए, ये होता आपका हो गया गैस 12 वोल्ट, ये अर्थ हो गया। अब हमारा हो गया गैस 12 वोल्ट, मीटर और थर्मोस्टेट और पल्स। अब पल्स के बाद बचता है एक ये तार, ये लगेगा आपका मैप सेंसर में। मैप सेंसर यानी कि बोले तो इसमें, ये बहुत आसान तरीका है, इस लॉक को जब देखेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कैसे बैठेगा। ये इसको दबा करके अंदर पुश करें, इसको पुश कर दें अंदर बैठ जाएगा टच से, तो लॉक जब होगा तो खुद ब खुद वो आवाज़ करेगा। अब आपका ये हो गया थर्मोस्टेट भी हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये आपका सेटिंग करने के लिए हो गया है ना। अब आते हैं इंजेक्टर, जो सबसे मुख्य कारण है इंजेक्टर पे। इंजेक्टर में आपका ये वायर मिलेगा 9 पीस, अगर 3 सिलेंडर की गाड़ी है तो 6 जुड़ेगा है ना, और 4 सिलेंडर की गाड़ी है तो पूरा 9 जुड़ेगा। 3 सिलेंडर की गाड़ी में आपका ये जो तार है
वाइट कलर पे रेड कलर की धारी, ये मैन पे रहता है। मैन मीन्स बोले तो जब आप सेल मारेंगे या इग्निशन चालू करते हैं तो इंजेक्टर के जो प्लस देगा इंजेक्टर में उसमें लगेगा। कोई भी गाड़ी का पार्ट्स वर्किंग करने के लिए मैन से नहीं चलता है, अर्थ से अर्थ चलता है। अर्थ यानी कि निगेटिव, समझ रहे हैं ना। अब निगेटिव को हमको एक नंबर इंजेक्टर को कनेक्ट करना है, एक नंबर, जैसे कि हमारा इंजेक्टर जो कटिंग होगा एक नंबर तक होगा। गाड़ी कोई भी एक नंबर को देखने के लिए आप उसके गियरबॉक्स साइड नहीं होगा, जब भी होगा उसका टाइमिंग साइड एक नंबर होता है। टाइमिंग साइड, टाइमिंग यानी कि जब पुली बेल्ट चलता है इस साइड में, कभी भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग गलती करते हैं कि गियरबॉक्स के तरफ एक नंबर समझ लेते हैं और गलत कनेक्शन हो जाता है, ऐसे में गाड़ी दिक्कत करती है। जैसे कि टाटा वगैरह खास करके देखिए, और मैं आपको मजे की बात बता दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। क्योंकि मैं भी जब, अगर आप फ़ोन करते हैं या बात करना चाहते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि ये आदमी सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, तभी आगे कोई बात होती है। ठीक, अब देखिए ये एक नंबर आपका ये है ब्लू, ब्लू कलर का एक नंबर होता है और रेड कलर का दो नंबर होता है, ठीक है, और ग्रीन कलर का तीन नंबर होता है, येलो चार नंबर होता है, और ये वाइट कलर का जो है ये आपका होता है मैन। इस मैन को आप मैन में देंगे यानी कि पॉजिटिव, और बाकी ये सब निगेटिव से कनेक्ट होंगे, उसके बाद अपना काम शुरू हो जाएगा। अब इसमें एक और अहम चीज़ होती है देखने वाली, एक चीज़ और अहम है जो अगले वीडियो में हम आपको डाल देंगे, वो आप देख लीजिएगा और उस पर अपना कमेंट ट्राई कर दीजिएगा। इस पर अपना कमेंट करिए वीडियो आपको कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ताकि हमें भी लगे कि हाँ मेहनत कर रहे हैं तो कुछ आराम है या नहीं है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।